हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि प्लांट में अगर नाइट्रोजन की कमी होती तो उससे क्या असर पड़ता है। हमारे प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी पत्तियां सारी झड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं, सफ़ेद पत्तियाँ पड़ने लगती हैं और उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो हमारा प्लांट सूखने के कगार पर रहता है। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है तो हमारे प्लांट में, इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है। ये देखिए, ये मेरा प्लांट है, इसकी पत्तियां सब झड़ गई हैं, गुड़हल का है और इसको खाद देने की ज़रूरत है। तो हमें नाइट्रोजन युक्त खाद देनी है, तो उसके लिए आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या चाय पत्ती या नीम खली भी आप खाद डाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप नाइट्रोजन पौधों में पत्तियां हरी करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण किंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन को कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ही होगा तो पौधे की वृद्धि होगी, उसका विकास बहुत अच्छे से होगा, उसकी पत्तियां हरी होंगी और नाइट्रोजन ही प्लांट में प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो नाइट्रोजन बहुत ही खास है हमारे प्लांट के लिए। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो हमारा प्लांट की दशा देखिए इस तरह से कुछ ऐसी हो जाएगी। तो हमारे प्लांट में नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, तो आप नाइट्रोजन युक्त रीस खाद आप प्रयोग करें। तो मैं अपने प्लांट में नाइट्रोजन डालने के लिए मैं अधिकतर चाय पत्ती में यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट बहुत हरे भरे रहते हैं। और चाय पत्ती आप सूखी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप चाय बनाने में करते हैं वो भी आप चाय पत्ती डाल सकते हैं, पर उसको धो के आप धूप में सुखा के आप चाय पत्ती ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि चाय तो सभी के घर में बनती है, तो आप पौधे में चाय पत्ती ज़रूर डाल दें, जिससे हमारे पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे और उनको वृद्धि होने में कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की कमी आप चाय पत्ती द्वारा आप डाल सकते हैं, और नाइट्रोजन की कमी होगी तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, उसकी पत्तियों का रंग जो है बहुत डल हो जाएगा। इसलिए हर प्लांट के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है, तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप प्लांट में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कि हमारे प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आप हमारे वीडियो से जुड़िए तो नए नए जानकारी आपको मिलती रहेगी प्लांट की ग्रोथ के लिए, आपका गार्डन भी हरा भरा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।